स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो रहेगी जो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि उनके इतने मार्क्स है, क्या इतने मार्क्स पर उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि कितने मार्क्स के छात्र को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, राउंड वन में, राउंड टू में, मॉपअप में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से पॉसिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाए इनके अंदर। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने 2021 का एग्जाम दिया या 2022, आप इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस देखिए, कितने मार्क्स के छात्र को किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू, एमसीसी के थ्रू, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस के अंदर वो पूरा आपको बताएंगे कि भाई तब से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो स्टार्ट होगा, क्लोजिंग डेट ये रहेगी, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। और गाइस, काउंसलिंग राउंड वन की काउंसलिंग होगी। राउंड वन की काउंसलिंग के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट होगा, जैसे चॉइस एंड लॉकिंग लॉकिंग की कंडीशन रहेगी, जिसके अंदर आपको कॉलेजेस चॉइस आपको डालनी है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लॉक कर देना है। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा, रिजल्ट आपका अनाउंस होगा जिसमें आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस मिलेंगे, और आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा कि भाई इस टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो राउंड वन की काउंसलिंग होती है। तो कितने मार्क्स तक के छात्र को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप एमसीसी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गाइस, जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें 15% रिजर्वेशन होता है। तो 15% रिजर्वेशन का मतलब है कि जितने भी स्टेट्स होंगे उनके अंदर जितने भी सीट्स रहेगी, 15% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा की रहेगी। अब वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी चॉइसेस वो होती है। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होती है वो गाइस हाई जाती है। अब स्टेट कोटा का जो रिजर्वेशन होता है वो होता है 85% का। जो जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वही बेनिफिट उठा सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट बेनिफिट नहीं उठा सकते। हाँ, कुछ टर्म्स और कंडीशंस दी हुई होती है जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जैसे गार्जियंस वगैरह होते हैं, पेरेंट्स होंगे, वो अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। इस तरीके की कुछ कंडीशंस होगी, कुछ कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पर जो है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है स्टेट कोटा के बेनिफिट का उठाने की। तो गाइस, जो स्टेट कोटा की जो कट ऑफ होती है वो काफी कम जाती है कंपेयर देन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, अब जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर चार राउंड होते हैं। एक राउंड वन होता है, राउंड टू होता है, मॉप अप राउंड होता है, और स्टे वैकेंसी राउंड होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है गाइस वो राउंड वन का होता है, और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो स्टे वैकेंसी राउंड का होता है। तो राउंड वन में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, जैसे एक्चुअल में डिपेंड करती है जो कट ऑफ होती है वो स्टेट के ऊपर, कि उस स्टेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कितनी वैकेंसीज, कितना नंबर ऑफ कॉलेजेस है। ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सारे फैक्टर्स जो है ये मैटर करते हैं। तो राउंड वन की कट ऑफ हाई जाती है, मैं ऐसे ही बोलूंगी। ठीक है, राउंड टू की कट ऑफ कम जाती है कंपेयर देन राउंड वन, मॉप अप राउंड की और भी कम जाती है, और बाय गाइस अगर मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करूं तो बहुत ही कम कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपके मार्क्स जैसे 300 के आसपास है तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है। अगर आप है एस सी एस टी कैटेगरी से तो अगैज आपका राउंड वन राउंड टू के अंदर ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी।
ठीक है गाइस, फिर भी अगर किसी चीज को लेकर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।